अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 15 चल रहा है, ऑसिलेशन का प्रॉब्लम 44 है। वो कहता है फिजिकल पेंडुलम में दो आपके पास 2 मीटर रॉड स्टिक्स हैं जिनको आपने एक सिस्टम बना दिया है। वो कहता है पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ जब पिन इंसर्ट की गई है थ्रू पॉइंट ए सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टिक, इसका सेंटर ऑफ मास भी है, यहीं पे पिन इंसर्ट की गई। अब दोनों स्टिक्स का मास इक्वल होंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टल स्टिक को डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ए पॉइंट पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वही बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई इसका आई बराबर होगा 1/12 ms के। अब वर्टिकल स्टिक की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं होगा, तो हम कहेंगे कि 0.50 मीटर बिलो होगा ए से, क्योंकि मीटर रॉड की है। तो वो अब आपको पता लग गया कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, तो जाहिर है इसका सेंटर ऑफ मास अलग है, एक्सिस रोटेशन अलग है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 1/2 ml² md² और md यहाँ से ये आधी लेंथ बनेगी l/2, तो वो लगा दी वैल्यू, तो ये 1/3 ml² आ जाएगा। अब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कर लेंगे तो 5/12 ml² आ जाएगा। अब टोटल सिस्टम कितना हो जाएगा, दोनों मैसेज मिलकर 2 m हो जाएंगे। अब सेंटर ऑफ मास अगर हम चेक करें तो क्योंकि उसने हमसे मांगा क्या है, उसने कहा व्हाट इज द पेंडुलम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में जो लेंथ आपकी लगती है वो तो सेंटर ऑफ मास पे लगती है। तो अब आपके पास आपने सेंटर ऑफ मास का टूल बना लिया, इसको हमने ओरिजिन मानते हुए इसकी दूरी को एच मान लिया, तो अब एच आपके पास यानी सेंटर ऑफ मास की दूरी है, तो यहाँ l/2 आ जाएगा, ये सारी वैल्यू को लेके तो l/4 आ जाएगा। तो इस सारे को आई की वैल्यू भी पता है, एच की वैल्यू भी पता है, वो सारी वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, 5l/60 आ जाएगा, सारी वैल्यू प्लेस करेंगे 1.83 आ जाएगा। तो ये जना हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।